गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ बॉम्बे फैशन, जो गुवाहाटी में नया खुला है। एक महीना हो गया होगा शायद उसको ओपनिंग होते हुए, एंड उसे कहा जाता है कि सरोजनी मार्केट ऑफ गुवाहाटी। एंड वहाँ पे बहुत चीपेस्ट दाम में एंड अच्छा अच्छा सामान मिलता है, ऐसा मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे। सो आज जाके पता चलेगा कितना सच है और कितना झूठ है। सो लेट्स गो, आई होप यू आर गोइंग टू स्टे विद मी टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। मेरे साथ जाने वाला है दीपशिका एंड दीपा। सो अभी निकलते हैं, गाड़ी नीचे आ गया है, सो उन लोग को भी पिकअप करना है एंड चलते हैं। डिजास्टर हो गया गाइस। तो गाड़ी आ गया है, अभी चलते हैं, लेट्स गो। मैंने ना जूता पहना नहीं है नीचे, मैंने जूता आधा पहन के रखा है। कौन से हाय कोई जाइश बाजार जाइ बाय बाय। दो घंटा बाद पहुंच गए गाइस। कॉमन दीपा, माय गॉडनेस, गाइस यहाँ पे रियल वर्सेस रियलिटी हो रहा है। तो कितना है देखो, ये 690। यहाँ पे ना गाइस कुछ अलग ही हो रहा है, जो दिखाया था अलग है। बाहर जाके बोलूँगी नहीं तो यहाँ पे निकाल देगा। गाइस लेट मी शो यू, ये सब मिलेगा गाइस। दीपा कुछ देखा है, दिखा 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 ना इसको, एक नया चीज़ मिला है गाइस, एक्सप्लेन करना थोड़ा। अगर कमर में लूज हो जाए तो इसका काम करेगा। लगाया कैसे? ये अच्छा लग रहा है गाइस, अभी ना थोड़ा देख लेता है, हाँ फिर आप लोग को बोलूँगी। यहाँ पे हम लोग फाइनली, हम तीनों ने पैंट चूज किया है बॉटम वेयर, एंड अभी बगल वाला में जाके देखेंगे वहाँ पे टॉप एंड एक्सेसरीज कुछ मिलता है क्या। वाला दुकान से निकल के ना अभी इस नेक्स्ट वाला दुकान पे जा रहे हैं, लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे। हाँ गाइस यहाँ पे सब कुछ कॉस्मेटिक्स का मिलता है, सो ये वाला थोड़ा पसंद आया है। अभी तक हम लोग मतलब यहाँ पे आके ना गाइस भौंकला गया है इतना कुछ। ये अपना मम्मी के लिए ले रही है, मतलब आंटी जी के लिए ले रही है, और मैंने ये थोड़ा बहुत लिया है, लेट्स सी और क्या क्या मिलता है। अच्छा तो है, अच्छा तो लगा है, लेट्स सी घर पे जाके सब कुछ दिखाऊंगी। गाइस अभी हम लोग क्रॉकरी का यहाँ पे घुसा है। ओए दामुनीर जन्य स्प्रे तो नहीं है। यहाँ पे हम लोग का पोटली हम लोग भर्ती किया है। यहाँ पे है सब क्रॉकरी। हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं फैंसी। हम ना इसको दीपशिका सोचा अभी बोलने वाला था, एंड इन लोग को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिलाया एंड मैंने भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट लिया, मतलब बहुत बोलना पड़ता है इन लोग को लिया। सो अभी जाते हैं फैंसी। थैंक यू बोलो तुम लोग, थैंक यू। 10 रुपये का चिप्स खिलाओ। उतर गए हैं अभी, फैंसी जा रहे हैं, बहुत जाम है गाइस।
घुसते ही बहुत सारा शॉपिंग कर लिया है और मुझे ना क्लेचर ये सब खरीदने नहीं देते, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब खरीदने में। दुकान दे रहे और इसको बहुत भूख लगा है, इसका मुंह दिखा है गाइस। हम बोला तेरे को एक ही मान के बोला सब 200 कम लोग कम लोग कोई वो कौन का कोई वो अलग मन कम कोई दियो থাক তেনেহলে নলওঁ আৰু হৈ যাব হৈ যাব আমি কমকেই আনিছোঁ এই আছে মাত্ৰ অনলাইন সেল লোক খাৰে বিৰিয়ানি মই খাই হ'ল সিৰ্ফ মৌসুম্বিকা জুস ইয়ৰ গাৰ্ল ইজ অন টাইট ব্ৰো বহুত গৰমী লাগে আজি কা মৌসুম্বিকা জুস না মই 60 মিনিট খাকে আই মতলব পি কে আই proud of myself. Hello guys. So उस दिन आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा tired हो गई थी, सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा. So अगले दिन तो नहीं, एक दिन बाद मैं ये continue कर रही हूँ. So आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ मैंने क्या किया, shopping किया है. So यहाँ पे Bruno आ गया है. चलो अभी साइड पे जाओ, सर जाओ, अभी एक तो वीडियो बनाब तुम इन्हें बस थको ठीक है, इन्हें बस थको देखिए आगे ये दो इन्हें तार आ तो Bruno, तो मैं Bruno को रख के आई हूँ मम्मी के कमरे पे. सो या मैं अभी आप लोग को दिखाने वाली हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है बॉम्बे फैशन, जो कि सरोजनी मार्केट ऑफ गुवाहाटी कहा जाता है एंड फैंसी बाजार से. सो पहले मैं बॉम्बे फैशन दिखाऊंगी एंड उससे पहले दिखाने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ. बताना ये है कि बहुत रूमर आया है कि बॉम्बे फैशन में यूज्ड वाला कपड़ा मिलता है. पर्सनली मैं जाके देखती हूँ कि यूज्ड वाला कपड़ा नहीं, मतलब देखने से ऐसा लगता है कि बहुत यूज्ड वाला कपड़ा है ऐसा, मतलब बहुत, मतलब समझ रहे होंगे ना, मतलब ऐसा, मतलब प्रेस वाला जब कपड़ा नहीं रहता है ना जैसा हो जाता है वैसा टाइप का देखने से आपको लगेगा. फर्स्ट मैं जब घुसी थी अंदर मुझे भी ऐसा पर्सनली लगा था कि ये यूज्ड वाला कपड़ा है क्या, थोड़ा मतलब गंदा है ऐसा है, पर नहीं, सब कपड़ा सिल वाला है, मतलब सिल लगा हुआ है. मेरा भी ड्रेस पे सिल लगा हुआ था, वो तो मैं आज पहन ली इसलिए मैं वो सिल खोल दी थी. बट या वहाँ पर यूज्ड वाला कपड़ा एकदम भी नहीं मिलता है और बहुत ढूंढने के बाद थोड़ा अच्छा बहुत कपड़ा मिला है एंड थोड़ा बहुत उस पर डिफेक्टिव रहता है इसलिए वो लोग कम दाम में दे देता है, मतलब बहुत पुराना स्टॉक को वो लोग रीसेल करता है. सो या सो पहले मैं दिखाती हूँ आप लोग को मैंने बॉम्बे फैशन से क्या खरीदा है. बॉम्बे फैशन में ज़्यादातर जीन्स था एंड टॉप में नहीं था, वहाँ पर कुर्ती में भी उतना खास नहीं था, एसेसरीज था और क्रॉकरी था. सो मुझे ज़्यादा अच्छा तो जीन्स पैंट में ही लगा है, मतलब बॉटम वेयर में ही लगा है एंड थोड़ा बहुत एसेसरीज भी वहाँ पे था. सो ये रहा जींस, नीचे से वो बेल बॉटम जैसा है, मतलब लूज है एंड ये वाला. सो मुझे तो जींस बहुत ही अच्छा लगा, पर इस पर एक ही डिफेक्ट है कि यहाँ पे ना शायद आप लोग को दिखाए यहाँ पे कुछ लगा हुआ है दाग. सो ये वो लोग बोला है कि ये उठ जाएगा, अभी तो नहीं पता ये उठेगा नहीं, मैंने तो अभी तक वॉश नहीं किया, बस एक बार ही पहनी हूँ उसको, आज ही पहनी थी. सो ये रहा जींस, क्वालिटी तो बहुत अच्छा है एंड अभी देखते हैं थोड़ा यूज़ करके. पर ना आज मैं पहन के जब गई थी ना, थोड़ा मतलब 3-4 घंटा के लिए मैं पहनी थी ये पैंट को एंड मुझे बम्प एरिया पे वो बॉबलिंग नहीं होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो बॉबलिंग ही बोलते हैं, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब वो जो हो जाता है ना थोड़ा स्वेटर में हम लोग का होता है ना ऐसा कुछ, क्या बोलते हैं नहीं पता, वैसा टाइप का हुआ है थोड़ा. क्वालिटी में ठीक ही है, मतलब 200 में और क्या ही मिलेगा आपको. सो ये रहा जींस एंड वहाँ से बस यही जीन्स खरीदा था एंड कुछ थोड़ा बहुत एसेसरीज खरीदा था. ईयरिंग्स तो बहुत अच्छा अच्छा ईयरिंग्स मिला है मुझे कम दाम में, एस्थेटिक वाला ईयरिंग्स मिला है. सो लेट मी शो यू. सो यहाँ पे है दो ईयरिंग, पहले ना मुझे ये बहुत पसंद आया था ये वाला,
बहुत ही एस्थेटिक है। फिर मुझे सेम टू सेम ये वाला कलर भी मिला है, ऑरेंज कलर। ये दो मुझे मिला है 30 रुपीज पे ये मिला है, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इस बार बहुत ही ज्यादा इयररिंग्स खरीदा है। एंड फिर मुझे ये मतलब मैं ऐसे बेसिक के लिए खरीदा है, जब मतलब ऐसे होता है ना बाजार जाओ फिर मतलब कान पे थोड़ा मतलब अच्छा लगता है मुझे कान पे पहनना, सो मैं ये लाई हूँ दो। मम्मी तो बोलते हैं ये कि बटन है दो, सो ये दो मैं लाई हूँ 10 रुपीज से। ये इयररिंग्स मैं सब बॉम्बे फैशन की दिखा रही हूँ। फिर मैंने ये और दो इयररिंग्स लाई, लेट मी शो यू दिस वन। आप यहाँ पे जितना भी इयररिंग्स देखोगे ना सब 30 रुपीज में है। मैंने फिर ये वाला इयररिंग लाया है, ये कुछ ऐसा टाइप का है। पर ना लाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर ये वाला गोल्डन नहीं हो गया, अगर सिल्वर होता तो ज्यादा अच्छा लगता, बट कोई नहीं, मुझे ऐसा इयररिंग पहनना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने ये लाया, ये मुझे बहुत प्रीटी लगा। मेरे पास ऐसा है, दो इयररिंग है बट थोड़ा डिफरेंट डिजाइन का है, बट टाइप ऐसा ही है। ये भी कुछ ऐसा पहनना होता है, मतलब ऐसे निकाल के टक करके लगाना। मैं ना फैन बंद करके आप लोग को दिखा रही हूँ, मेरा थोड़ा व्यूज गिर गया है एंड सब्सक्राइबर्स भी थोड़ा लो हो गया है, पता है मेरा ही दोष है। सो या एंड ये क्लच लाई हूँ, फिर ये तीन गर्डर। ये सब मुझे 10 रुपीज करके मिला है, मतलब 30 ऑल टुगेदर। एंड ये क्लचर मुझे 30 का पड़ा है, 30 का पड़ा है ये क्लचर। सो ये था बॉम्बे फैशन का। अभी मैं आप लोग को फैंसी बाजार का दिखाती हूँ। सो इयररिंग दिखा रही हूँ ना, तो फैंसी का भी इयररिंग से पहले स्टार्ट करते हैं। फैंसी से मैंने ज्यादा इयररिंग तो नहीं खरीदा है, सिर्फ दो ही इयररिंग खरीदा है, जो कि है ये। मैंने इस बार बहुत प्रीटी प्रीटी इयररिंग खरीदा है, जो कि है ये इयररिंग। एंड और एक है ये जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, पर ओ अच्छा ये वाला तो बोला नहीं। इसका प्राइस है 50 रुपीज, भैया ने कम तो नहीं किया, फैंसी में यही प्रॉब्लम है, बहुत बोलना पड़ता है फिर जाके कम होता है। एंड ये चेरी बहुत लेने का मन कर रहा था ऑनलाइन में ना, ये मुझे 80-90 ऐसा करके मिल रहा था, पर मैंने नहीं खरीदा। मैं सोच ही रही थी फैंसी जाऊंगी तभी खरीदूंगी। सो ये भी वो लोग 50 करके बोल रहा था, पर मैंने 40 रुपीज में लाया। एंड इसको ना मुझे नहीं पता था कैसे करके खोलना होता है, फिर मुझे वहां पे जो लड़का है जो मतलब सेल कर रहा था उसने बोला कि इस चेरी को ऐसे खोलना होता है, फिर कान पे घुसा के फिर इस चेरी को ऐसा करके बंद करना होता है। तो ये क्या था, ये 50 रुपीज का था, सो मैंने इसको बोल के 40 रुपीज में लाया। सो ये था फैंसी का एक्सेसरी। अभी मैं जंप करती हूँ, जो मैं टॉप्स खरीदी थी और ज्यादा मैं खरीद नहीं पाई क्योंकि बारिश गिर रहा था एंड थोड़ा देर भी हो चुका था, सो मैं और ज्यादा एक्सप्लोर तो कर नहीं पाई फैंसी, बट या जितना किया उतना मैं 3 टॉप और ये इयररिंग्स खरीद के लाई। सो फर्स्ट टॉप है ये, जो मैं आज ही पहन के बाहर गई थी। एंड इसका मटेरियल बोलो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, भैया बोल रहा था इसका 200 है पर मैं 170 करके लाई। ये दो टॉप मैं सेम शॉप से लाई एंड दोनों का क्वालिटी माशाल्लाह है। माशाल्लाह सो ऐसा कॉलर तो मेरे पास था नहीं, सो मैंने लाया। एंड ये कलर भी मैंने नहीं पहना अभी तक, ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड बहुत अच्छा है क्वालिटी। सो या एंड नेक्स्ट टॉप है ये भी मोटा है, सेम मटेरियल है दोनों का, ये भी मैं 170 करके लाई। एंड नेक्स्ट टॉप है वो आने के टाइम पे मैंने देखा एंड मैंने परचेस कर लिया, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा दोस्त जो गई थी ना मेरे साथ दीपा, वो बोली ये देखने के साथ साथ कि ये जूडियो में भी ऐसा है पर व्हाइट कलर का है, तो तुम भी ले लो, ये तुमको सस्ता में मिल रहा है तो ले लो। तो ये था 150 का, सो भैया ने और तो कम नहीं किया, बोला कि आपको 200 बोलना चाहिए था, फिर आप बार्गेन करता तो ठीक था। सो ये रहा नेक्स्ट टॉप,
इसका पीछे से पूरा स्ट्रेचेबल है, इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो ये मैं कभी एक दिन पहन के बाहर जाऊंगी, इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा है। सो या इतना ही था मेरा शॉपिंग, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। एंड और एक गुड न्यूज, मेरा परसों मतलब जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी ना, उस दिन ही शाम को मेरा डिग्री का रिजल्ट दिया था एंड मैं अच्छे नंबर से ग्रेजुएट हो गई। सो या मैं पास कर गई, सो बहुत अच्छा लगा। Yeah, that's it. So, ये वीडियो भी इतना ही है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग ब्लॉग्स। सो बाय फॉर नाउ, बाय बाय।